कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमला हुआ है। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। सपा मुखिया अखिलेश ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा अब पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित प्रदेश असम में हमला हुआ, उसको लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बोनर पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये कायराना और शर्मनाक हरकत दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उनके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ लें, यह भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती, यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी पूरी तरीके से यहां पर राजनीति हो रही है। असम में हुए हमले के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जिसको लेकर अब यहां पर सपा प्रमुख ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।